जय हिंद दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकल कर आ रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये भर्ती 58,000 प्लस पदों पर निकल कर आ रही है। तो हम आपको इस वीडियो में पूरा संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह से यूपी पुलिस को हम लोगों को क्रैक करना है, क्या प्रोसेस होगा, कब से फॉर्म भरा आएगा, क्या एज रिलैक्सेशन होने वाला है, अदर स्टेट वाले बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या फिजिकल होने वाला है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होने वाला है, कितने नंबर का पूछा जाएगा। इस वीडियो में हम सारे कुछ को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, प्लीज़ वीडियो को बीच से छोड़ के मत जाइएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम टॉपिक लिख चुके हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल अपकमिंग रिक्रूटमेंट 2023। तो यहाँ पर हम टॉपिक लिख चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि मतलब कितने पोस्टों पर भर्ती आने वाली है। यूपी टोटल पोस्ट जो है दोस्तों 58,737 पोस्टों पर ये भर्ती निकल कर आ रही है। 58,737 पोस्टों पर भर्ती निकल के आ रही है और ये बहुत ही धमाकेदार भर्ती है दोस्तों। आप सोच सकते हैं 50,000 प्लस पदों पर भर्ती आ रही है, तो फॉर्म भी बहुत ज़्यादा गिरेगा, लेकिन आपको मतलब रखना है सिर्फ आपके एक सीट से। आप रगड़ के तैयारी कीजिए। और पिछले दिनों यूपी सरकार ने इतिहास से मुगल साम्राज्य को ख़त्म कर दिया है, तो आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, मुगल साम्राज्य के चक्कर में पढ़ना भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत सिलेबस ईजी भी हो गया है, लेकिन कंपटीशन बढ़ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फी की बात करें तो 400 रुपया लगेगा दोस्तों, 400 रुपया लगेगा, 400 रुपया हर कैटेगरी के छात्रों को लगेगा, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एसटी एससी एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो। और अदर स्टेट वाले बच्चे भी जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको भी मात्र 400 रुपया फॉर्म भरने का फी लगने वाला है। और क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th+2 कर चुके हैं, मतलब अगर आप इंटर पास कर चुके हैं, तो आप यूपी पुलिस का फॉर्म भरने के लिए इलिजिबल हैं। उसके बाद फिर हम लोग दोस्तों एज की बात करें, तो एज जो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, एज जो है जनरल मेल का है ना 18 से 22 साल तक है। जनरल मेल में कौन कौन आ जाता है बता देते हैं आपको। ओबीसी आ जाता है, ईडब्ल्यूएस आ जाता है, सीएसटी आ जाता है, ये सारा जनरल मेल का है ना 18 से 22 साल तक मेल का खोजा जा रहा है। और उसके बाद फिर जनरल फीमेल का जो है 18 से 25 साल तक खोजा जा रहा है। जनरल कैटेगरी से आते हैं वो 18 से 25 साल तक की लड़कियों फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। यहाँ पर 3 साल तक का लड़कियों को जनरल कैटेगरी में छूट दिया जा रहा है। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है ओबीसी एससी और एसटी को है ना 5 साल का छूट मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर आप 22 साल तक फॉर्म भर सकते थे, लड़का अगर ओबीसी एससी एसटी से है 22 साल तक अगर फॉर्म भर सकता था, तो वो 27 साल तक फॉर्म भर सकता है। कितना तक भरेगा फॉर्म? 27 साल तक फॉर्म भर सकता है। उसके बाद फिर जनरल फीमेल की बात करें, तो इसमें अगर ओबीसी एससी एससी और एसटी का छात्र अगर लड़की है, तो लड़कियों को भी 5 साल का छूट मिलेगा, तो कितना हो जाएगा उसको यहाँ पे 30 साल हो जाएगा। वो लड़कियाँ 30 साल तक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकती है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर एज से लेकर के जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फिर बात करेंगे अप्लाई डेट का और एग्ज़ाम डेट का। तो दोस्तों, अप्लाई डेट और एग्ज़ाम डेट का हम बात करेंगे, उससे पहले हम लोग सिलेबस का बात कर लेते हैं। सिलेबस के बात कर लेने के बाद हम लोग अप्लाई डेट और एग्ज़ाम डेट का जरूर बात करेंगे। तो सिलेबस देख सकते हैं दोस्तों, सिलेबस जो है 150 क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। 150 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, 150 क्वेश्चन जो रहेगा हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। तो देखिए 150 × 2 मतलब 300 हो गया, 300 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद फिर टाइम जो आपको मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर टाइम आपको 2 घंटे का टाइम मिल रहा है। और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपका है, आपका निगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.50 है। कहने का मतलब अगर आपका 4 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन सही होने पे आपको 2 नंबर मिल रहा है, और कट कितना रहा है, 1 क्वेश्चन गलत होने पर आपका यहाँ पे 0.50 नंबर कट रहा है। मतलब यही है कि अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत होगा तब जा करके आपका 1 क्वेश्चन के बराबर का नंबर कटेगा। कहने का मतलब है 4 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 क्वेश्चन बराबर नंबर कटेगा, लेकिन 1 क्वेश्चन सही होगा तो 4 क्वेश्चन गलत होने के बराबर का नंबर हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे माइनस मार्किंग ना के बराबर ही है, इसलिए आप यहाँ पर अनुमान और तुक्का लगा सकते हैं। तो उसके बाद फिर सिलेबस की बात करें, तो जीके से जो है यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को 37 क्वेश्चन देखने के मिलता है, जीके से 37 क्वेश्चन। उसके बाद हिंदी से यहाँ पे हम लोगों को 37 क्वेश्चन हिंदी से देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद फिर रीजनिंग से 55 क्वेश्चन। तो रीजनिंग पर बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। तो रीजनिंग से 55 क्वेश्चन है, और मैथ से यहाँ पर 21 मतलब 21 क्वेश्चन मैथ से देखने के लिए आपको मिलेगा। जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर 150 क्वेश्चन यहाँ पे पूर जाएगा। एक सवाल आपके मन में और चल रहा होगा यहाँ पर,
कि कितने मतलब ये जो एग्जाम होने वाला है ये ओएमआर सीट पर ऑफलाइन माध्यम से होगा या फिर सीबीटी ऑनलाइन के माध्यम से होगा, तो हम आपका ये दुविधा क्लियर कर देना चाहते हैं। हर एक यूट्यूबर अपने अपने तरीके से बताता है, लेकिन हम जो आपको बताएंगे पूरा सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं। तो ये जो है ना एग्जाम आपका होगा ऑफलाइन मोड में होगा। कैसे होगा दोस्तों? ऑफलाइन मोड में होगा, ओएमआर सीट पर आपका एग्जाम होने वाला है ऑफलाइन मोड में। आप यहाँ पर ये बात को गांठ बांध लीजिए, आप किसी के भी झांसे में ना आए। चलिए हम आपको यहाँ पर सिलेबस बता दिए, अब आपको हम अप्लाई डेट के बारे में बता देते हैं कब आपका फॉर्म अप्लाई होने वाला है। एक जरूरी बात दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है कौन सी संस्था कंडक्ट करवाएगी ये अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। हालांकि यूपी पुलिस के हेडक्वार्टर से ये बात सामने आई है कि ये कंडक्ट करवाने के लिए अप्लाई कर दिया गया है कि कौन से संस्था का नाम उजागर होगा, ये देखने वाली बात है। उसके बाद जैसे उजागर होता है तो पूरा का पूरा कथित अनुमान है कि ये जो डेट है ना, आप जो है ना अप्लाई जो है ना अक्टूबर माह में होते हुए आप फॉर्म को जरूर देखेंगे। अक्टूबर माह ख़त्म नहीं होगा, फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। एक महीने का आपको टाइम जरूर मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अगर दोस्तों हम एग्ज़ाम डेट के बारे में आपको बताएं तो एग्ज़ाम जो है आपका दिसंबर माह में निश्चित और सुनिश्चित तरीके से अच्छे तरीके से कंडक्ट करवा दिया जाएगा यूपी सरकार के द्वारा। तो ये जो है दिसंबर माह में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। यहाँ पर इस रो का हम सारा कुछ क्लियर कर दिए। चलिए अब इधर आते हैं फिजिकल के बारे में, और आपको बताएंगे कि कितने बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 58,000 प्लस सीटों पर कितने बच्चे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो फिजिकल एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हैं आपसे ना हाइट खोजा जाएगा, फिर चेस्ट खोजा जाएगा, फिर आपका रनिंग खोजा जाता है। ये तीन चीज़ आपका फिजिकल में खोजा जाता है लड़कों को और लड़कियों को। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम मेल लिख दिए और यहाँ पे फीमेल लिख दिए हैं। तो लड़कों को जो है ना, लड़कों का हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर लड़कों का हाइट 168 सेंटीमीटर नहीं होगा तो वो फेल कर जाएंगे, क्वालिफाई नहीं होंगे। और लड़कियों का हाइट 152 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। अगर 152 सेंटीमीटर नहीं है तो आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी ना करें। अगर फॉर्म एग्ज़ाम देने के लिए कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम दे सकते हैं आगे चल के, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा आपका अगर 152 सेंटीमीटर हाइट नहीं होता है तो। और चेस्ट की बात करें दोस्तों तो चेस्ट जो है ना लड़कों का 79 से 84 खोजा जा रहा है। ऐसे खोजा जा रहा है 79 ही, लेकिन आपको 5 सेंटीमीटर ज़्यादा फुलाने के लिए बोलेगा। आपको बोलेगा जितना होगा आपका, मान लीजिए 79 हो, 80 हो, 81 हो, 82, आपका जितना भी छाती होगा मान लीजिए 82 होगा, तो बोलेगा फुलाने के लिए 5। ऐसे करके आप 5 फुलाइएगा तो आपका 87 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके बाद लड़कियों के लिए यहाँ पर चेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, लड़कियों के लिए चेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। और अगर हम लोग यहाँ पर रनिंग की बात करें तो लड़कों को जो रनिंग खोजा जा रहा है 4.8 किलोमीटर अगर लड़के रनिंग करते हैं तो उनको यहाँ पे 25 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही उचित समय है। आप आराम से इस रनिंग को क्वालिफाई कर सकते हैं, समझ। और ये जो फिजिकल है ना, बस आपका पास मात्र का है, मतलब आपको सिर्फ फिजिकल में पास करना है। और रिजल्ट जो है आपके यहाँ पे एग्ज़ाम पे बनेगा, रिटेन पे आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनने वाला है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे फिजिकल में सिर्फ आपको पास करना है। जिस तरह से बिहार पुलिस में क्या होता है कि फिजिकल पे आपका मेरिट लिस्ट निर्भर करता है, लेकिन यहाँ पे यूपी पुलिस में क्या है, रिटर्न एग्ज़ाम पे आपका मेरिट लिस्ट निर्भर करेगा। तो उसके बाद फिर लड़कियों का यहाँ पे रनिंग की बात करें तो लड़कियों को 2.4 किलोमीटर रनिंग करवाया जाएगा और उनको 14 मिनट का समय मिलेगा, जो कि बहुत ही आसान है। लड़कियां भी यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से रनिंग कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। रोज़ अगर फील्ड निरंतर जाती है तो यहां पे आराम से कर सकती है। और अगर हम बात करें कि कितने बच्चे फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो चलिए यहां पर वो भी देख लेते हैं। अनुमानित फॉर्म जो गिरने वाला है यूपी पुलिस में, कम से कम 20 लाख से 25 लाख बच्चे फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। तो उन्हीं 20 से 25 लाख में एक आप भी हैं, और आपके सामने 58,737 सीटों पर ये बाली आ रही है। आप तैयारी के लिए भीड़ जाइए, आपकी ये वैकेंसी जो है कभी भी आपको यूपी पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने के लिए मिल सकता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों ने जिस तरह से हमें यूट्यूब पर प्यार दिया है, उसी तरह से सरकारीhelping.com को गूगल पर भी प्यार दीजिएगा, क्योंकि इन सभी प्रोसेस को करने में बहुत सारा मेहनत लगता है। हमारी टीम दिन रात जुड़ी हुई है इन सभी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए।
इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए या किसी भी प्रकार के सरकारी जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे सरकारी हेल्पिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सरकारी हेल्पिंग.com का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जाकर जरूर चेकआउट करें। धन्यवाद।